नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। पजल मास्टर चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो है जीके से, जो कि आपका एमपी व्यापम का एग्ज़ाम, एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के हिसाब से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं, और जिस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उसका मैं डिटेल में जाऊँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे व्यापम के और भी सारे नोटिफिकेशन के लिए, और एसएससी और बैंक के नोटिफिकेशन भी इस पे मैं डालूंगा, और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस एजुकेशन से रिलेटेड वो भी मैं डालूंगा। तो चलिए अब समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला सवाल ये है, मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में बनाया गया है, मतलब कि बन ही रहा है, और 2018 में कंप्लीट हो जाएगा, और जापान की मदद लेके ये बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, ग्वालियर दुर्ग का निर्माता थे? देखिए, ग्वालियर दुर्ग को अपन ग्वालियर के किले के नाम से भी जानते हैं, या ग्वालियर फोर्ट भी बोलते हैं उसको। ये आपका 8वीं शताब्दी में बनकर तैयार हो गया था, और ये राजा मानसिंह तोमर जी ने बनवाया था। देख रहे होंगे आप, ये काफ़ी सुंदर सी फोटो है, और अगर आपको कभी मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिए, काफ़ी सुंदर है। और कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है? इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर नर्मदा ही है, और नर्मदा को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। मार्बल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इसमें देखिए, मार्बल आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ कटनी में। ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? देखिए, इसका आंसर आपका है अग्नि। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री से। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी कम कवर किए हैं मैंने, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर है माधव गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाडली लक्ष्मी योजना आपकी मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुई थी? देखिए, हमारे जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये योजना 2007 में स्टार्ट की थी, और इस योजना को स्टार्ट करने के बाद इसमें क्या होता था, जो भी गरीब आदमी हैं उसके यहाँ अगर लड़की पैदा होगी तो उसको 1,00,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाता था। लेकिन ये स्कीम इतनी फेमस हुई हमारे इंडिया में, और पूरे देश में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली इसको, तो उसके बाद 6 और स्टेट में इसे लागू किया गया, उनको भी ये पसंद आई, और अब तक लगभग 21 लाख से ज़्यादा लड़कियां इसका फ़ायदा ले चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है? देखिए, जहांगीर महल तो वैसे है ओरछा में, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन इस टाइप के मिल जाते हैं कि वो आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा जा रहा है। जैसे देखेंगे आप, ओरछा से सबसे क्लोज जा रहा है टीकमगढ़, तो आपको टीकमगढ़ मार्क करना पड़ेगा। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? इसका आंसर आपका है अष्टांगिक मार्ग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कितने भौतिक विज्ञान, इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है, इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स और बायोलॉजी में दोनों में रिसर्च की है, मतलब कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसका आंसर आपका है जगदीश चंद्र बोस। चलिए, इन साइंटिस्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। होमी जे भाभा जो हैं, इन्होंने सिर्फ फिजिक्स में अपना योगदान दिया है, इनका बायोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं रहा है, और इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी, मेनली न्यूक्लियर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करते थे। और सीवी रमन जी जो हैं, इनको तो सभी जानते होंगे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ फिजिक्स में ही काम किया, इनका बायोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है। और हरगोविंद खुराना जो हैं, इनका जो है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के लिए 1968 में,
तो इनका फिजिक्स से कनेक्शन नहीं है, तो एक ही ऐसे बचते हैं जगदीश चंद्र बोस, जिनका इन दोनों में से दोनों से ही कनेक्शन है। भगोरिया हार्ट कहाँ लगता है? देखिए भगोरिया हार्ट जो है इसका एक्चुअल नाम है मालवा। ये एक फेस्टिवल है, इसका नाम है मालवा। ये फेस्टिवल आपका वैसे तो अलीराजपुर इसका आंसर है, लेकिन ये फेस्टिवल आपका खरगोन, झाबुआ इन यहाँ भी मनाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो ट्राइबल जो लोग होते हैं, उनके यंग जनरेशन के जो लड़का लड़की जो भी लोग होते हैं, वो अपना कुछ मैरिज का कोई फेस्टिवल मनाते हैं, उसको हम बोलते हैं भगोरिया हाट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नाग? नाग क्या है? इसका आंसर आपको वो स्नेक वाला आंसर नहीं है इसका, इसका आपका आंसर है एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि आप ऑप्शन बी कह सकते हैं इधर से। ये डीआरडीओ ने 2008 में बना के तैयार किया था, और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड पूरी मिसाइल है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ज्योति पवार कौन है। आपको ये नाम सुनते हुए लग रहा होगा कि कोई पॉलिटिशियन का नाम है, लेकिन ये किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं है, ये एक एक्ट्रेस हैं, धोबी घाट। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, आमिर खान की मूवी तो ऑलमोस्ट फेमस हो ही जाती है, तो क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन, धोबी घाट काफ़ी फेमस मूवी रही है। तो इसमें जो एक्ट्रेस थी उनका नाम है ज्योति पवार। भारत के किस हिस्से में पहली बार सिक्कों का प्रयोग किया गया था? इसका आपका आंसर है बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब कि बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण की थी? इसका आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, देखिए हिस्ट्री से आपका एक और क्वेश्चन आ गया। सिंचाई कर लगाने वाले यानी कि इरिगेशन टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आपका आंसर भी पहला ही है, फिरोज तुगलक। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने, दिल्ली के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था। देखिए बीटी कपास मतलब कि बीटी कॉटन के उत्पादन से संबंधित इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है? इसका आपका आंसर है बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु। इसमें आपसे देखिए ये बुक पूछ ली है, ये बुक का आपसे राइटर पूछा है, और बुक का फ्रंट पेज देखिए मैंने लगा दिया, फ्रंट पेज कुछ ऐसा है बुक का, आपको यहाँ पे राइटर का नाम दिख रहा होगा मेघानंद देसाई। और आपको इस बुक में कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुछ इसी तरीके की बुक है, लेकिन उनकी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, री नहीं है उसमें, आगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में वो होता तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मेघनाथ देसाई इसका आंसर है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? देखिए कंबोडिया एक देश है जो कि एशिया में ही आता है, लेकिन इंडिया से लगा हुआ तो नहीं है। इसका आपका आंसर है विष्णु। अरिहंत क्या है? देखिए अरिहंत एक एटॉमिक सबमरीन है, यानी कि आप इसे पनडुब्बी बोल सकते हैं, परमाणु पनडुब्बी, क्योंकि मिसाइल भी छोड़ती है, और ये इंडिया की पहली मिसाइल पनडुब्बी भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि इंडिया ने खुद ही बनाई है। इनमें से कौन स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि राज्य का कार्यपक्ष पालक अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर है गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल। संविधान का कौन सा भाग सहकारी सोसाइटी से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज? इसका आंसर है पार्ट 9 बी। देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ग्रामीण साक्षरता। भारत के किस स्टेट में ग्रामीण लिटरेसी रेट ज़्यादा है इनमें से? इसका आंसर है आपका गोवा। कई लोग सोच रहे होंगे मणिपुर इसका आंसर है, लेकिन आपको ग्रामीण साक्षरता दिया है इसमें, साक्षरता नहीं है सिर्फ। ये मीथेन है, ये थोड़ा स्पेलिंग इधर गड़बड़ है। मीथेन इधर इनमें से कहाँ प्रेजेंट होती है, किस में? तो इसका आंसर है आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर।
कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों में राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है? इसका आपका आंसर है अनुसूची फोर्थ, यानी कि फोर्थ शेड्यूल। आइसोहेलीन क्या है? देखिए, आइसोहेलीन एक तरीके का एक ऐसा पैरामीटर कह सकते हैं जो पानी के अंदर सूरज की किरणों से डिस्टेंस को मेजर करता है, कुछ इस टाइप का कह सकते हैं हम इसे। इसका आंसर है कनेक्ट प्लेसेस टू इक्वल सनशाइन। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा ये स्केलर और वेक्टर, यानी कि सदिश राशि, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेक्टर कौन नहीं है, तो इसका आपका आंसर है एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर में मिलाते हैं, यानी कि चूने के पानी में, तो मिल्की कलर का हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से एक जीवाणु जनित रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज? इसका आपका आंसर है टिटनेस। टिटनेस जो है बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और ये पूछा है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। देखिए, मोटर तो करेगा नहीं, एमीटर तो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जनरेटर तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर आपका है गैल्वेनोमीटर। मोटर का सबको पता ही है, और जनरेटर सबने देखा ही होगा। और हाँ, और ये गैल्वेनोमीटर की कुछ फोटो इस टाइप की होती है, आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज टाइम में जरूर देखा होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, बीच में जी बना रहता है, और एमीटर अगर इधर है तो इसमें इधर वी ए बना होगा, और वोल्ट मीटर में वी बना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, यानी कि इनमें से पौधों का हार्मोन कौन सा है? उसका आपका आंसर है साइटोकाइनिन। देखिए, जब है ना कोई भी अगर लोहे का, कोई भी अगर आयरन की चीज है, उस पर जो भी जंग लग जाती है, उसको बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, उस पर जंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस है जो कि हमने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ी होगी, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। उसमें उस आयरन की चीज को उस जिंक के मेटल में डुबाकर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इससे उस पर एक जिंक की कोटिंग हो जाती है, जिससे वो जंग से बचा दिया जाता है। तो उस पर जिंक की कोटिंग होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खाल म्यूजिक इज हेल्ड ऑन, देखिए इसका आंसर आपका है मेहर। अगला है, कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। देखिए, हम व्यापम की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही पूछे जाएंगे, और ये हमारे जो कालिदास जो कवि थे काफी फेमस थे, और ये संस्कृत में लिखते थे, और लगभग 5वीं शताब्दी की बात है जब ये कालिदास कवि हुआ करते थे, और मध्य प्रदेश इसका आंसर है, मध्य एमपी गवर्नमेंट है जो कि कालिदास सम्मान देती है। देखिए, भोपाल में स्थित भारत भवन, ये भारत भवन की जो बात हो रही है, ये भारत भवन एक म्यूजियम है, या फिर कह सकते हैं कल्चरल चीज़ है, जहाँ पर कि कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, लाइक डांस और कुछ ये म्यूजिक से रिलेटेड। तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये पूछ रहे हैं। इसका निर्माण हुआ था, अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो फरवरी 18, 1982। देखिए, मधुबनी लोक चित्र कला पेंटिंग ये कहाँ से, इनमें से किससे रिलेटेड है? ये आपकी है बिहार से, और ये कुछ इस टाइप की वो होती थी पेंटिंग्स यहाँ पर। रंग सारंग इज जनरली सिंग इन विच टाइम? देखिए, रंग सारंग जो होता है वो एक राग होता है, इसको शाम के वक्त गाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भरतनाट्यम जो है आपका ये है तमिलनाडु से संबंधित, और इसको ग्रुप में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसको अकेले भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको लड़के लड़कियां सभी परफॉर्म कर सकते हैं,
और याद रखिए मोहिनी अट्टम ही एक ऐसा डांस है जिसे सिर्फ लड़कियां परफॉर्म करती हैं और मेल लोग इसे परफॉर्म नहीं करते हैं, ओनली फीमेल करते हैं। और गरीबों की कथकली नाम से जाना जाता है आपका मोहिनी अट्टम। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अलाकंड की लोक गाथाएं प्रचलित हैं? देखिए इसका आपका आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में ये आपने देखा हो इस टाइप, मतलब ये बुक है वहां पर, इस टाइप की बुक भी पब्लिश होती हैं इसमें ये कहानियां रहती हैं लोगों की और ये लोग खरीदते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में, ये वहां पर ही काफी ज्यादा फेमस है। देखिए ये तो वीडियो आपकी खत्म होती है ये जीके की, आगे मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।